आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जब आपकी मर्जी में होकर के यहाँ खड़ा हो तो तेरी उन बातों को जो तेरे इन लोगों के साथ कर सकूँ जो तू इन्हें मेरे द्वारा करना चाहता है, मुझे अपने वचन की सच्चाई, स्पष्टता, ज्ञान, नम्रता और स्वतंत्रता से बोलने में मदद कर। तो जो यहाँ पढ़ा गया, तब यीशु ने कहा, पिता हमें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये पहला शब्द था जो परमेश्वर ने वहाँ से बोला है। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो मुझे इसके दो मेन रीज़न दिखे, दो कारण मेरी समझ में आए कि ऐसा होना क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला रीज़न तो था कि ये निर्धारित था, ये होना तय था, और ये होना क्यों निर्धारित था वो उसका दूसरा रीज़न है। तो पहले जो दो रेफरेंसेज ही मैं आपके लिए दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला रीज़न कि ये होना, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेसी हो रखी थी इस बात की कि होना ये निर्धारित था, जिसके लिए हम अगर पढ़े, अगर हम नए न्यू टेस्टमेंट में इस रेफरेंसेज को पढ़ते हैं, मत्ती 27:35-41 जो हमने 35-41 पढ़ा था, उसमें लिखा था कि रोमन सिपाही चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़ों को आपस में बांट रहे थे, दोनों तरफ अपराधी लटकाए गए थे और उसकी निंदा करते थे, महायाजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत मिलकर ठट्टा करते थे और आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे। ये न्यू टेस्टमेंट में रेफरेंस था उस समय का, वो माहौल के बारे में बताया गया था। उसका सेम रेफरेंस जब ओल्ड टेस्टमेंट में जिसकी प्रोफेसी हुई थी वो ये लिखा हुआ है, यशायाह की किताब उसका 53:12 में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उधेड़ दिया, वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। तो दिस वॉज समथिंग जो कि पहले से ठहरा दिया गया था कि ऐसा होना था, और ऐसा होना क्यों था, उसका कारण क्या था कि ऐसा होना क्यों ठहराया गया था। बाइबल में जो मैंने पढ़ा, परमेश्वर हमारे लिए आया था, जो कुछ भी परमेश्वर ने यहाँ किया वो हमें सिखाने के लिए किया था, जो कुछ भी परमेश्वर के इस मेमने ने किया वो हमें सिखाने के लिए कि वो हम उस तरह की ज़िंदगी जिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी में होकर के जिया। और वो हमें क्या सिखाता था, परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया, मत्ती की 23 उसका दूसरा और तीसरा अध्याय अगर पढ़े, उसमें लिखा था, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं इसलिए कि तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके समान मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। दिस इज आर गॉड, ये हमारा परमेश्वर था। उसने सिर्फ ये नहीं कि बता करके, सिर्फ लोगों को ये समझा करके कि ऐसा करना है, सिर्फ कहने से नहीं करके दिया। और हमें क्या सिखाया हमारे मसीह ने, मत्ती का 6:12 अगर देखें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये पूरा रेफरेंसेस फॉरगिवनेस के बारे में है, परमेश्वर ने प्रार्थना करके बोला कि तू इन्हें माफ कर। तो ये सारे रेफरेंसेस जो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ फॉरगिवनेस से रिलेटेड है, हमें उसने ये सिखाया कि हम इस प्रकार प्रार्थना करें। दूसरा रेफरेंस भी है मत्ती का 5:43-44 जिसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सो ही वॉज प्रेइंग ओवर देयर, उस क्रूज के ऊपर वो चढ़ा हुआ है, जान जाने वाली है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है। ही वॉज द गॉड जिसने जो सिखाया वो हमें करके दिखाया, क्योंकि हम वो जिंदगी, वो बातें जो परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता है, जिसको हम नकारते हैं कि हालात की वजह से, हमारे मसीह ने हमें वो जी के दिखाया। अपनी मुसीबत की घड़ी में उसने इस हद तक अपनी बातों पे जो वो चीज़ें सिखाई थी उसने हमें हमारे लिए एग्जाम्पल बना के, इवन उस लास्ट मोमेंट के ऊपर भी जितने लोग उस पर विश्वास लाए, जो हम रेफरेंस पढ़ते हैं लूका 23:42-43 में, जब उसने कहा, हे यीशु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि देना, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। व्हाट अ ब्लेस्ड लाइफ ही वाज हैविंग, पूरी ज़िंदगी शायद उसने अपने गुनाह में निकाली थी, लेकिन सिर्फ एक आखिर मोमेंट के ईमान में उसने ज़िंदगी को बदल दी। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा मसीह है, जो हमें इस
चीज़ को सिखाना चाहता है। आप में से हम में से ऐसे कितने हैं जो परेशानी में भी अपने परमेश्वर के पीछे होते हैं और वैसा करते हैं जैसा वो चाहता है। सवाल ये है कि ऐसा करना क्यों चाहिए, फॉरगिवनेस की हमें ऐसा करना क्यों चाहिए। हमें से शायद बहुत कम ही होंगे कि मुसीबत के टाइम तो छोड़िए, नॉर्मल वे में भी हम फॉरगिवनेस को इतनी इजीली नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। उसके चार प्रमुख के कारण जो मुझे समझ में आए बाइबल की मार्फत वो मैं आपसे शेयर करूँगा। हमें से बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा होता है या कोई हमसे निश्चित रूप से हमें बेहतर महसूस होता है कि अगर हमारा व्यवहार बुरा होता है उनके साथ जो हमें चोट पहुँचाते हैं, बल्कि उस समय भी जब हम उस बात के लिए जो हमें सही लगती है उसी के लिए लड़ रहे होते हैं। अगर कोई हमें चोट पहुँचाता है, हमें तकलीफ देता है, अगर हम उसके साथ बुरा करते हैं, वी डोंट वांट डूइंग दैट, वो ठीक है, उस मोमेंट की नीड है, उस बात के लिए भी जो हमें सही लगती है उसके लिए खड़े होते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं, हमें बुरी नहीं लगती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग हमसे नाराज हो जाए हमारे विश्वास के लिए, क्योंकि वो चीज़ हमारे हिसाब से सही है। और ये जानते हुए भी हम जब काम करते हैं या लोगों के बीच में रहते हैं, हम जो भी पावर में होता है उन्हें चैलेंज करते हैं अपने उस विश्वास के बूते, जानते हुए कि वो शक्तिशाली है, दे हैव अ पावर, दे वी डू विद आवर फेथ हमारे अपने विश्वास के कारण उन्हें चैलेंज करते हैं। कुछ इसी तरह के हालात हमारे मसीह यीशु के थे जिस टाइम होते हैं। हमें से शायद ही कोई उस मूवमेंट के ऊपर प्रार्थना करता जो हमें सता रहे थे ये जानते हुए कि वो गलत कर रहे हैं। हमें से कई होते हैं जो लड़ने में सक्षम नहीं होते, वो क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। अगर नहीं लड़ पाते आप, हम चुप हो जाते हैं। सताने वालों के लिए प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है और माफ़ कर देना तो बिल्कुल भी नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस रियलिटी से हम बहुत दूर होते हैं कि फॉरगिवनेस इज द ओनली थिंग। जब भी कोई ऐसे हालात होते हैं जहां परेशानी में होते हैं, आपके साथ कोई बुरा करता है, आपको एक चोट लगती है, और फॉरगिवनेस इज द ओनली मेडिसिन, ये ही वो दवा है जो आपके उस घाव को सबसे जल्दी भर सकती है। इस बात से हम कोसों दूर होते हैं। यकीन जानिए, अपने दिल में अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम अपने दिल की उस कड़वाहट को, उस मायने को जगह देते हैं जहां पवित्र आत्मा का वो काम अंजाम होता है जिसके वसीले हम भी अपने खुदा की तरह लोगों को माफ करने का जज्बा पैदा कर पाते हैं। यकीनन उस समय नहीं कर पाएंगे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद यकीनन आप अपने दिल से उस बात को निकाल के अपने गुनाहगार को आप माफ करेंगे। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि यीशु की प्रार्थना पिता इन्हें माफ करना, इसका यह अर्थ ये नहीं कि हर एक को उसने माफ कर दिया है। प्रभु तो हमें माफ कर देता है, लेकिन यदि हमें वो माफी चाहिए तो उसके लिए हमें पश्चाताप और विश्वास दोनों को साथ रखना पड़ेगा। विदाउट रिपेंटेंस एंड फेथ हमें वो माफी जो परमेश्वर ने हमें दी है हमें नहीं मिल सकती। सो देर आर टू वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, एक आप जो करते हो, एक सामने वाला करता है। तो यहाँ ये रेफरेंस सिर्फ मैं प्रभु यीशु के बारे में बता रहा हूँ, उसने तो हमें माफ कर दिया, लेकिन हमें अगर वो वाकई माफी लेनी है, सो वी हैव टू कम बैक विद रिपेंटेंस एंड फेथ। ये एक अलग वादा हो जाता है और इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, बट हम इन चीज़ों को मिक्स ना करें, इसलिए थोड़ा बताना मैंने ज़रूरी समझा। यहाँ पे हमें से कई है जो माफ़ करने की जद्दोजहद में फंसे होते हैं। कई बार स्पेशली जब आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके पर्सनल जिनसे आपको लगाव होता है, आपके साथ जब वो गुनाह करते हैं, आप मन में चाहते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखनी कि जब तक आप अपने गुनाहगार को माफ़ नहीं कर देते, आप अपने आप को जकड़े हुए होते हैं, अपनी आज़ादी खोते हैं। वो चीज़ आपके दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में हर जगह रहती है, इट अफेक्ट्स यू, और ये आज़ादी आपको परमेश्वर की शांति के रूप में मिलती है। तो आइडियली जब आप इस फॉरगिवनेस को नहीं करते, नहीं देते हैं, उस चीज़ को अपने मन में रखते हैं, तो आप उस चीज़ में जकड़े हुए हैं। जब आप किसी चीज़ में जकड़े हुए होते हैं तो आप परमेश्वर की शांति को नहीं पा पाते, एंड यू लूज दैट पीस दैट यू गेट फ्रॉम आवर लॉर्ड। यकीनन बाइबल में बहुत से ऐसे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे जो माफ़ी के विश्वास में आए लोगों की
के बारे में आपको बताएंगे। सबसे अच्छा जो रेफरेंस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो यूसुफ का था, जो अपने भाइयों के द्वारा सताया गया था। हर तरीके से परेशानी में रहा, हर तरह की दिक्कत में रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता की मर्जी को सबसे पहले जगह दी। उसने मन से माफ करके और परमेश्वर की मर्जी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी भरपाई करी, परमेश्वर ने उसका बदला लिया, और कितना सुंदर बदला लिया कि आखिर में उसके भाई उसके साथ थे, उसका परिवार उसके साथ था, सब बदल चुके थे। दिस इज द वे गॉड जजेस। तो माफ करना हम तो मसीहों के लिए मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा हम हालात और अपने सताने वालों को बदल सकते हैं, जैसा हमारे प्रभु यीशु ने किया। ये तीसरा रीजन है। यीशु की प्रार्थना पिता ने माफ कर का जवाब कई लोगों के जीवन में भी हुआ। अगर हम उस मूवमेंट को भी देखें, रोमन सिपाही जो क्रॉस के नीचे खड़ा हुआ था, उसने उसकी मृत्यु को देख करके क्या कहा? निश्चित रूप से यह आदमी ईश्वर का पुत्र है। उसके अलावा वो चोर जो परमेश्वर के साथ चढ़ाया गया था, वो स्वर्ग में था। एक महीने बाद यरूशलेम में जब पहला चर्च हुआ तो 3,000 लोग यीशु के विश्वास से बचा लिए गए और वो सिलसिला आज तक जारी है। माफ कर देने से कई बार हम ये भी सोचते हैं कि शायद हम दूसरे के बुरे कामों को सही ठहराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो परमेश्वर हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं आता। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद हम अगर किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम उसके गुनाहों को सही ठहराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूहन्ना 8 उसकी 1-11 में पढ़े, जो इस औरत के बारे में है जो कि गलत काम करते हुए पकड़ी गई और परमेश्वर के सामने लेकर के आई। मसीह ने लोग से सिर्फ एक ही चीज़ कहा, हमें सब ने ये कहानी कई बार सुनी है, कि पहला पत्थर वो माने जिसने पाप नहीं किया। और खुदावन ने उस औरत को क्या कह के छोड़ा? कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ और फिर पाप ना करना। ये चौथा रीजन होगा। जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो अंदर से ही हम उस आदमी को जज करते हैं, जो कि हमारा हक नहीं है। किसी को भी जज करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, माफ करने का दिया है। परमेश्वर आपको मुझे गलत कामों को सही ठहराने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि माफ कर देने से हम वो रास्ते अपने परमेश्वर के लिए खोल देते हैं कि वो आपके लिए इंसाफ करें,